देहराजात इंशाल्लाह इस साल जी बड़े हैवी पैमाने का होगा। पिछले साल तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके थे, इस दफ़ा देहराजात का स्केल हमने बहुत बढ़ा दिया है। इवेंट्स जो थे, कुछ इवेंट्स हमने जो कि मॉडर्न टाइप थे वो बीच में से कट ऑफ कर दिए हैं। हम ट्रेडिशनल इवेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर नेजाबाजी या घोड़ा डांस इस तरह की इवेंट्स है, क्योंकि डी खान का सिंबल जो है वो घोड़ा है। कुश्तियाँ हो गई, इसी तरह रस्साकशी के मुकाबले हो गए, कुत्तों की रेस हो गई, बैलगाड़ियों की रेस हो गई, खोता गाड़ियों की रेस हो गई, ये इस तरह के इवेंट्स जो कि हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हैं। प्लस उसमें एक चीज़ जो हम इस साल ऐड कर रहे हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स भी उसके अंदर होंगे, आर्टिस्टिक इवेंट्स भी उसके अंदर होंगे, कल्चरल इवेंट्स मज़ीद होंगे उसके अंदर। इस साल हम सिविल सोसाइटी को साथ मिला के, इसी तरह के इदारों को साथ मिला के हम साइड इवेंट्स भी सिटी के अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इवेंट्स आपको पता है देहराजात के स्टेडियम में होते हैं और एक खास टाइम के बाद वहाँ पर एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नाइट के इवेंट्स इसमें कम ही हैं सिवाय म्यूज़िक के या उस तरह। तो हम सिटी के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह ख़वातीन के लिए फेस्टिवल्स हैं तो स्पेस कम है, टाउन हॉल में हम किया करते थे लेकिन वहाँ पर स्पेस कम हो जाती है, तो इस तरह ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल जगहों पर, ताकि लोगों को अपने बच्चों के साथ भी जाने का मौका मिले और यहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी ट्रेडिशनल खप, यहाँ की कशीदाकारी बहुत मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो इस तरह के जो मेसन्स हम उनको कह लें जो सपोर्ट करते हैं उन आर्ट्स को, वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह चलेंगे, और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो भी सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन होगी वो साथ हम करेंगे।